हाउ टू स्प्लिट कंपनी डाटा इन टेलीप्राइम। कंपनी स्प्लिट करने के लिए पहले आपको अपना कंपनी को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से यहाँ अल्ट वाई प्रेस करना है, या आप यहाँ डाटा वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्प्लिट पे आना है। स्प्लिट पे आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएगा, वेरीफाई डाटा और स्प्लिट डाटा। आप ध्यान दीजिए कि स्प्लिट डाटा पे आपको क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको वेरीफाई डाटा करना है। वेरीफाई डाटा पे आप कंपनी आपका आ गया है, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए सेव करके। अब ये इन प्रोग्रेस है, वेरीफाइंग ऑफ डाटा हो रहा है, ये 100% हो जाता है। तो अगला स्टेप हम लोग फिर करना है इसमें काम। इस डाटा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लिस्ट ऑफ एरर्स जो कि 0 है, नो एरर्स है यहाँ पे। अब आपको बैक आना है। अब दोबारा से आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है यहाँ पे इस प्रकार, और स्प्लिट डाटा पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको समझना है कि कंपनी आपका किस किस भाग में डिवाइड होगा। आपका यहाँ पे नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी जो आपका बनेगा वो आपका 1 अप्रैल 2018 से 19 तक का बनेगा, एक साल यहाँ पे हो जाएगा 18-19। उसके बाद जो नीचे वाला बनेगा सेकेंड कंपनी, ये आपका बनेगा 1 अप्रैल 2019 से, एग्जाम्पल 19-20 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल का डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ इस प्रकार। तो अब आपको यहाँ पे अब आपको इंटर प्रेस करना है, एक बार और इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब यहाँ बोल रहा है कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डाटा, यहाँ पे यस क्लिक कर देना है। जैसा कि स्प्लिटिंग डाटा के लिए प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आप वेट कर लीजिए, 100% हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब स्प्लिट हो जाने के बाद डाटा को कैसे सेटिंग किया जाता है। जैसा कि ये कंपनी सक्सेसफुली स्प्लिट हो गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 डाटा जो कि यहाँ पे सामने आ चुका है। अब इसमें कौन कौन सा डाटा आपको रखना है नहीं रखना है, अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। अब ये जो स्प्लिट हुआ है आपका, ये फर्स्ट कंपनी है जिसे हम लोग स्प्लिट किए हैं 18-19 का, और इसके द्वारा जो स्प्लिट हुआ है, दो भाग में जो डिवाइडेड हुआ है, ये नीचे दो कंपनी हुआ है, 18-19 और 19-20। यहाँ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2018 से, और नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 से, ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है कंपनी, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और नीचे में फाइनेंशियल ईयर 19-20। थैंक यू सो मच।